क्वेश्चन 3.B.B. सो उसमें दो क्वेश्चंस थे. उसका पहला सब क्वेश्चन ये है कि इज़ 1, 2, 0 एन आइगन वेक्टर ऑफ 4-1, 6, 2, 1, 6, 2, -1, 8. इफ सो फाइंड द आइगन वैल्यू. ओके, तो यहाँ पर देखो अच्छे से. इस क्वेश्चन में एक बहुत ही सिंपल जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया गया है. बस वो क्वेश्चन, वो इक्वेशन ये है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, बस यही यूज़ किया गया. ओके, अब यहाँ पर ए क्या था, ठीक है, ए यहाँ पर क्या था, दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स को हमने ए मानते हैं, तो मेन मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, मेन मैट्रिक्स, ठीक है. ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है. एक्स क्या है, ये है आइगन वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट, दैट इज़ आइगन वैल्यू, ठीक है. तो ये ए जो है ये मेन मैट्रिक्स है, ये आइगन वैल्यू है और ये आइगन वेक्टर है. सो देयरफॉर ए यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 4-1, 6, 2, 1, 6, 2, -1, 8, इसके बाद मैं ये लिखूँ 1, 2, 0, ठीक है, और इसके बाद हमें, मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो देखते क्या आता है. इट इज़ इक्वल्स टू, सो 4-2 is 2, ओके, इट इज़ 2, सो 2, 4, 4, 2, -2, 0, दिस इज़ द आंसर. क्या मैं इसको एक इसके रूप में, मतलब एक फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 times of 1, 2, 0, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ. तो अच्छे से देख सकते हो ना कि ये मेन मैट्रिक्स है, ये आइगन वेक्टर है इस तरह से, और ये है आइगन वैल्यू दिस वन, और ये वापस से वही आइगन वेक्टर है, करेक्ट. तो इट इज़ मीन्स इट इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस वन, करेक्ट. सो इसलिए आइगन, सो मैं तो ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि इट इज़ एन आइगन वेक्टर, इट इज़ एन आइगन वेक्टर, ठीक है, ये तो है ही, प्लस आइगन वैल्यू भी मिल चुका है मुझे, आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, आइगन वैल्यू जो है वो है 2. तो समझ में आ गया, ओके. तो बस यही था इसमें, चाहे तो इस ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से लिखे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो मेन मैट्रिक्स ई वैल्यू ई वेक्टर ये लिख सकते हो, कोई मार्क्स तो नहीं काटे जाएंगे, ठीक है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ऑलराइट.